साढ़े तीन घंटे का ट्रैवल करने के बाद जब हम भामला स्टूपा पहुँचे, और बात यह है कि हम लोग माजी में ही रहना चाहते हैं। हकीकत यह है कि हम लोग माजी में रहना चाहते हैं, क्योंकि 1700 साल पुराने इस अजीम स्टूपे को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो रास्ता है वो ये आपके सामने है। इस कदर तकलीफ दे और पेनफुल रास्ता है कि बताया नहीं जा सकता। ये सब कुछ मैं कह तो गया, लेकिन इस्लामाबाद से 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो एहसास हुआ कि 1700 साल पहले जब इस बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर हुई होगी तो लोग कहाँ कहाँ से और किन किन ज़राए से यहाँ पर आए होंगे और किन किन मुश्किलात से इस कॉम्प्लेक्स की तामीर में हिस्सा लिया गया होगा। भामाला स्टूपा दरियाए हरो के किनारे पर 2वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। मौजूदा वक्त में यह स्टूपा खानपुर डैम के पास मौजूद है, यानी यह साइट भामाला स्टूपा खानपुर केपीके कहलाती है। वादी टैक्सला की तहजीब कई किलोमीटर पर फैली हुई है, कुछ हिस्सा मौजूदा पंजाब में और काफी सारा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में आता है। बुद्ध मत तहजीब से ताल्लुक रखने वाले इस स्टूपा को 1929-1930 में सर जॉन हुबर्ट मार्शल की सरबराई में दरियाफ्त किया गया। भामाला स्टूपा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। यहाँ पर मौजूद स्टूपा चौकोर शक्ल में बना हुआ है और इसके चारों तरफ सीढ़ियां मौजूद हैं। इस स्टूपा की एक और खास बात यह है कि इसके 52 कॉर्नर हैं। 2012 से लेके 2016 के दरमियान इस जगह डॉक्टर अब्दुल समद की सरबराई में एक बार फिर खुदाई की गई। खुदाई के दौरान इस जगह से 14 मीटर तवील स्लीपिंग स्टैचू अपनी असल हालत में दरियाफ्त हुआ। इसके साथ साथ कॉपर के सिक्के और मिट्टी के बर्तन तक दरियाफ्त हुए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक मजहबी मकाम था और बुद्ध मत के लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। दरियाए हरो पर बनी हुई ये कदीम साइट एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। अगर मौसम अबर आलूद हो तो जगह बहुत ही ज्यादा कदीम रोमांटिक लगती है, और मैं ये बात जोर देकर कह रहा हूँ कि रास्ते की थकन और तकलीफ इस जगह पहुँचकर दूर हो जाती है।